फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आपके सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ, पढ़ के उसके रीड करने के बाद मैं देखती हूँ जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है उस टॉपिक पे मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ। तो आज पहले की तरह ये जो वीडियो है आज भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो ये वीडियो बनाना मेरा बनता है, ठीक है। और चूंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और जैसे कि आपको पता है जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो फिर क्या करती है कि वो जैसे जैसे उसको कोई प्रॉब्लम होती कुछ होता है तो वो अपने चार फ्रेंड से अपना एक्सपीरियंस बांटती है, उनका एक्सपीरियंस लेती है। तो ऐसे भी मेरे साथ हुआ था कि जो जो प्रॉब्लम्स मुझे हो रही थी मैंने अदर लोगों से भी उसका एक्सपीरियंस लिया था, तो वो सारी चीजें मिला के आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। टॉपिक क्या है कि बहुत सारी लेडीज ने मुझसे ये पूछा है कि फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है, सॉरी फ्रेंड्स लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हर वुमेन के जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर नहीं होता है, सबके अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी को कोई सिम्टम्स भी ना आए। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी लेडीज का जो है 7 मंथ में ही प्रेगनेंसी हो जाती है, 8 मंथ में हो जाती है, 9 मंथ स्टार्ट होती हो जाती है, किसी किसी का 9 मंथ पूरा कम्प्लीट हो जाता है। तो जो सबका एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन मैं आज ऐसे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनका 8 मंथ कंप्लीट हो जाता है और 9 मंथ स्टार्ट होता है। और 9 मंथ स्टार्ट होने पे कौन कौन सी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको आपको ये पता लग जाएगा कि अब जो है मेरी प्रेगनेंसी होने वाली है, मुझे सब कुछ जो है तैयारी कर लेनी चाहिए हॉस्पिटल जाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि हो सकता है कि आपके 8 मंथ के बाद थोड़ा थोड़ा सा वाटर लीकेज होने लगे। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स का जो है मतलब उनका एक्सपीरियंस था कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा जो है वाटर लीकेज होने लगा था। अगर आपको ऐसा कुछ होने लगे तो प्लीज जाकर के सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम नहीं भी होती और हो सकता है कि हमें पता ना चला हो और पूरा वाटर ब्रेक हो जाता है और उसके बाद क्या हो कि फिर आप आपके लिए भी रिस्क हो जाता है और आपके बेबी के लिए भी रिस्क हो जाता है। तो उस समय इमीडिएट अपने डॉक्टर को तुरंत जाकर उनसे कंसल्ट करिए, ठीक है। सेकेंड बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो है प्राइवेट पार्ट की मतलब साइड का पोर्शन होता है वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत आपको हैवी सा फील होने लगेगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि जहां हमारे लेग का ज्वाइंट है वहां पे आपको ऐसा फील होगा जैसे मैं चल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और ऐसा फील होगा कि जैसे मुझे चलने में परेशानी हो रही है। और ये सिम्टम्स आपको बिल्कुल लास्ट उस पे आएंगे जब आपको जब आपका बेबी बिल्कुल नीचे आ जाता है, यानी उसका जो हेड है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है तब, क्योंकि वहां पे फिर आपको बहुत हैवी सा फील होने लगेगा। ये एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मोस्टली लोगों को ये एक्सपीरियंस होता ही है क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा है उनको ये एक्सपीरियंस जरूर हुआ है और मेरे साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यही रहा है, ठीक है। थर्ड क्या होगा, थर्ड में आपको क्या करना है कि जैसे होता है ना कि पहले जब बेबी का हेड ऊपर रहता है तो हमको जो है चलने में क्या होता है कि हमें ब्रीथिंग से प्रॉब्लम हो, जैसे लगता है सांस लेने में परेशानी हो रही हो, ऐसे से प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है। लेकिन जब आपके बेबी का जो हेड है वो नीचे हो जाता है तो आप बहुत रिलैक्स फील करने लगते हैं, और क्योंकि आपको फिर ऐसा फील होने लगेगा कि जो है जैसे 8 मंथ में बेबी का हेड नीचे नहीं आया था, ऊपर ही था, बेबी का लेग नीचे था, हेड ऊपर था, तो मैं मतलब 10 कदम भी चलने के लिए सोचती थी कि मुझे बहुत परेशानी हो रही, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं चल नहीं पाती थी, बट चलती थी, सारे काम भी करती थी घर का, लेकिन फिर भी मुझे मतलब अनकंफर्टेबल सा फील होता था, ठीक है। लेकिन 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद जो है जब मैं मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें क्या था कि मतलब मुझे क्या हुआ था कि 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद 1 वीक हो गया था खत्म, उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि बहुत रिलैक्स बॉडी फील होने लगी, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी मैं चल नहीं पा रही, मैं कितना भी चल सकती थी, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं वॉक करती थी, जैसे मैंने आपको बताया था मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जरूर करती थी तो मुझे फील नहीं होता था। तो वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको जब थोड़ा सा चलने में परेशानी नहीं होगी तो जो है आपको ऐसी परेशानी बिल्कुल नहीं, तो मॉर्निंग में मैं 1 किलोमीटर जरूर चलती थी जब वॉक करती थी तो मुझे बिल्कुल चलने में परेशानी कम होने लगी, ठीक है। तो ये एक सिम्टम्स है कि आपके बेबी का जो है सिर नीचे जो हेड है वो नीचे हो गया है, जिससे क्या होगा कि आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम बंद हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप में, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे कि पता है आपको कि जब 9 मंथ स्टार्ट होता है वीकली चेकअप के लिए डॉक्टर आपको बुलाती है, सडनली कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है वीकली में 2 या 3 बार
बार भी आपको जाना पड़ जाता है, क्योंकि इस दौरान थोड़ी भी रिस्क आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तो इसलिए जो 9 मंथ स्टार्ट होता है, तो अगर कुछ भी सिम्टम्स आपको ऐसे लगते हैं, किसी किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी किसी को वाटर लीकेज थोड़े थोड़े से होने लगते हैं, थोड़ा सा होता है फिर थोड़ा सा होता है, किसी किसी को वाइट डिस्चार्ज सा होने लगता है, ठीक है, किसी किसी को मतलब ऐसा होता है कि अब मैं बिल्कुल नहीं चल सकती, बहुत परेशानी हो रही है, उनको ऐसा लगता है नीचे से प्रेशर कुछ बन रहा है, ऐसा सा फील होने लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही बता दें, जब मैं वीकली चेकअप के लिए गई थी तो मतलब डॉक्टर ने बोला कि सर्विक्स का जो मुंह है वो ओपन हो रहा है, इसलिए आपको आज ही एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप चेकअप के लिए जाएंगे, देखिए हमने नहीं सोचा था कि डॉक्टर ने बोला था हो सकता है आपका पूरा 9 मंथ कंप्लीट हो, बट मेरा जो है 9 मंथ का सिर्फ 2 वीक कंप्लीट होने वाला था, उसमें ही मुझे एडमिट होना पड़ा, ठीक है। वो एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चे का हेड पूरा नीचे आ गया था, और आपको पता है जब हेड नीचे आता है ना तो आपकी जो थाइस होती है ना यहाँ बहुत प्रेशर पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि जो सारा जो है बॉडी का जो कहते हैं ना कि जैसे पूरी बॉडी का जो प्रेशर है वो यहाँ आके बन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स भी आपको आएंगे जरूर, क्योंकि जब भी आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 मंथ वालों की और 8 मंथ वालों की, इनकी कोई सिम्टम्स नहीं स्टार्ट होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या परेशानी होती है, इनको वाटर ब्रेक हो जाता है, अचानक से पानी की कमी हो जाती है, यानी जो इम्यूनिटी फ्लूड होता है उसकी अचानक से गिरावट हो जाएगी पूरी बॉडी में, तो वो अचानक से कम हो जाएगी, वो पता भी नहीं चलता, वो निकलते हुए भी नहीं पता चलेगा, बस कम हो जाता है, ठीक है। और किसी किसी का बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे प्रॉब्लम आ जाती है, किसी किसी का बच्चे जो नाल होती है ना वो कई बार जो है अपने गले में लगा लेता है, उससे भी ये परेशानी हो जाती है, तो ऑपरेशन करना पड़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर आते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे जैसे आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा ना, तो होता क्या है कि जो आपको जो है जैसे खाने की जो इच्छा है ना वो थोड़ी कम होने लगेगी। जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत मन करता है, बीच में जैसे मुझे तो 6 मंथ वोमिटिंग हुई, उसके बाद वोमिटिंग ही नहीं हुई, तो खाने का बहुत मन करता था, लेकिन जैसे जैसे 9 मंथ में बेबी होने का टाइम आया ना, मतलब ऐसा लगता था कि कुछ भी ना खाएं, कुछ मन नहीं करता था, मन बिल्कुल दुखी दुखी सा लगता था, और बहुत या ये हो सकता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बिल्कुल नजदीक आता है ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि ऑपरेशन होगा, नॉर्मल होगा कि क्या होगा, तो बहुत ज्यादा ही जो हमारे हमारे जो सोचने की क्षमता है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हो सकता है इसकी वजह से खाना खाने का मन ना हो रहा हो, ठीक है। लेकिन मतलब मेरे साथ ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा जो है 2-3 लोगों से और जो कंसल्ट किया था उन्होंने भी बोला कि हाँ यार सच है कि जब 9 मंथ आता है कंप्लीट होने लगता है तो कहीं ना कहीं खाने का भी मन नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4-5 सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए, मोस्टली लोगों के साथ ये होता ही होता है। इसके साथ अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी किसी को ऐसा फील होता है ना, जैसे सांस लेने में ऊपर की ओर फील होता है, जैसे लगता है कि सांस लेने बहुत भर भर के सांस ले रहे हो, ठीक है। तो ये भी है कि जो पेट का आकार है वो काफी बढ़ चुका है, और अभी क्या होता है कि फिर जो है उनकी प्रेगनेंसी बहुत नजदीक आ जाती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी अब कि जैसे होता है ना कि अब 9 मंथ कंप्लीट हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है कि बहुत ज्यादा हैवी हो गया है उनका पेट, क्योंकि मेरा पेट तो पता ही नहीं चलता था आप लोग को, तो मैं बता अगर मैं नहीं बताऊं तो आप लोग बोलेंगे 4 या 5 मंथ की प्रेग्नेंट हो, आप 9 मंथ का कभी बोलोगे ही नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का पेट इतना बड़ा होता है कि मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम होने लगती है उनको चलने में, इनफैक्ट टॉयलेट जाने में कहीं, मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम होने लगती है, कैसे कैसे मैनेज करते हैं वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 9 मंथ में जब इतने छोटे पेट के साथ मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, तो जिनका बहुत ज्यादा हैवी पेट होता है उनको कितनी प्रॉब्लम होती, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आप लोगों की परेशानी। तो इन कारण भी उनको बहुत दिक्कत होने लगती है। इसके साथ ही क्या होता है कि जैसे होता है ना कि 9 मंथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, आपको बैठने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको जैसे ऐसा होता है ना 8 मंथ तक आप इजिली बैठ जाते हो किसी तरह जो है अपने हैंड का सहारा लेके, कुछ 9 मंथ में आपको बैठने में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि पेन होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे बिल्कुल आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि मुझे बैठने में बहुत परेशानी होने लगी थी, ठीक है। और इसके साथ ही एक चीज और है, जैसे होता है ना कि जब बिल्कुल नजदीक हो जाती है ना प्रेगनेंसी, तो क्या होता है ना आपको ईचिंग, आपके प्राइवेट पार्ट में ईचिंग सी होने लगती है, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ऐसा लगता है जैसे होता है ना जैसे कभी कभी हम लोगों को ईचिंग प्रॉब्लम होने लगती है ना, वैसे प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब मुझे तो हुआ था, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ईचिंग होने लगी थी, और उस दौरान आपको
कोई भी केमिकल वाली चीजें यूज नहीं करनी है, अपने डॉक्टर से बात करनी है, वो मेडिसिन दे सकती है या कुछ और चीजें बता सकती है प्रिकॉशन फॉलो करने के लिए, वो चीज आप बिल्कुल फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और मेरी फ्रेंड्स के द्वारा पूछे गए भी एक्सपीरियंस है, खुद उनका भी एक्सपीरियंस है। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स मैं अब आपको बताती हूँ, जो एक मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आपकी प्राइवेट पार्ट के आसपास जहां ज्वाइंट होता है ना थाइस का, वहां पे बहुत हैवी फील होने लगेगा। मतलब इतना हैवी फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, और वो इसलिए होता है बेबी का हेड बिल्कुल पास में होता है ना जो है, इस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत भारी सा फील हो। और देख लीजिएगा जब आपके अंदर भी अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो ना, तो बहुत बिल्कुल 1 वीक का टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ और चीज आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आंसर देने का पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।